देखिए लीगैलिटीज पे मैं कमेंट नहीं कर पाता क्योंकि आई कैन स्पीक अबाउट माय पर्सपेक्टिव एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कंपोजर होने के नाते. मेरा पर्सपेक्टिव यही रहेगा कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत टैलेंट है और ओरिजिनल म्यूज़िक बनाने की हैसियत पूरे देश में है और हम बिल्कुल इतने सारे लोग हैं. हम आज वायरल की बात कर रहे हैं, इनके पास कितने सारे ऐसे अपकमिंग कंपोजर्स हैं जिनका मैंने म्यूज़िक सुना है एंड इट्स रियली गुड. सो माय पर्सनल स्टैंड ऑन दिस मैटर इज़ दैट वी शुड डेफिनेटली स्टैंड फॉर ओरिजिनल म्यूज़िक एंड वी कैन ऑलवेज गो बैक टू द पास्ट टू लर्न फ्रॉम इट टू रिफर इट व्हेन एवर नीडेड. इनफैक्ट मैं और मिथुन हमेशा जब गाना बनाते हैं वी ऑलवेज गेट रेफरेंसेज ऑफ ओल्डर सॉन्ग्स. ट्रू, ऑलवेज डू दैट. बट या, बट आई थिंक कुछ तो छोड़ दो, अभी कुछ नए गाने बनाने पड़ेंगे नहीं तो आगे नेक्स्ट जनरेशन म्यूजिशियंस क्या रिमिक्स करेंगे. तो कुछ तो ओरिजिनल म्यूजिक बनाना पड़ेगा ना. और मुझे लगता है लोग भी जो है हम कई बार अपने ऑडियंसेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं. कई बार लोग मुझे बहुत कभी समझ में नहीं आई वो दिस है कि देयर इज ऑलरेडी अ रिकॉल फैक्टर. आई थिंक वी आर स्लाइटली अंडर एस्टिमेटिंग द ऑडियंस. अगर आप पिछले 20 सालों का डेटा भी देखेंगे, वेदर इट हैज़ बीन माय म्यूजिक, वेदर इट हैज़ बीन प्रीतम्स म्यूजिक और इवन अदर कंपोजर्स हु हैव डन यू नो रहमान सर एंड सो मेनी अदर्स, आई थिंक द ओरिजिनल वर्क हैज़ हैड अ लॉट मोर इम्पैक्ट एंड लास्टेड लॉन्गर देन एनीथिंग दैट हैज़ बीन रीहैश्ड. व्हाट डू यू थिंक? टोटली. आई मीन आई रिमेंबर जब प्रीतम और मैं भी अच्छे दोस्त हैं, वी टॉक अबाउट इट. आई नो आई वाज देयर, ही कंपोज म्यूजिक फॉर एदरे मुश्किल, द टाइटल ट्रैक आई थिंक वाज ब्रिलियंट एंड दैट्स द बेस्ट वर्क इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. सो आई थिंक या ओरिजिनल म्यूजिक इज ऑलवेज विल बी फोरफ्रंट बिकॉज एज आई सेड अ रिमिक्स हैज़ अ सेफ्टी फैक्टर इन इट. बट आई जेन्युइनली बिलीव कि वी शुड लीव सॉन्ग्स फॉर आवर चिल्ड्रन टू रिमिक्स.